सोशल मीडिया पर उस वक्त सनसनी फैल गई जब पूनम पांडे की मौत की खबर आई। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर यह पोस्ट शेयर कर दावा किया गया। सेलिब्स और फैंस अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि यह खबर झूठी निकले। कंगना रनौत से लेकर करण कुंद्रा तक ने हैरानी जताई। इसी बीच मुनव्वर फारूकी ने पूनम पांडे को लेकर ट्वीट किया है। दोनों रियलिटी शो लॉकअप में कंटेस्टेंट थे। मुनव्वर ने कहा कि वह अभी भी इस खबर से उभर नहीं पा रहे हैं और यह उनके लिए काफी शॉकिंग है। मुनव्वर ने लिखा, शॉकिंग, अभी भी इस न्यूज पर यकीन नहीं हो रहा है। पूनम बहुत अच्छी इंसान थी, दुखद है। रिप। लॉकअप में पूनम और मुनव्वर के बीच अच्छी बॉन्डिंग देखी गई थी। वही कंगना रनौत लॉकअप के दौरान पूनम पांडे के साथ काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर दुख जताया। कंगना ने लिखा है, यह बहुत दुखद बात है, एक युवा महिला को कैंसर से खो देना बहुत निराश करने वाला है, ओम शांति। वही आकांक्षा पुरी ने भी पूनम की तस्वीर के साथ पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा, तुम इंसान के रूप में हीरा थी। तुमने हमेशा मुझसे कहा कि लड़कियों को स्ट्रांग होना चाहिए और किसी और से ज्यादा खुद से प्यार करना चाहिए। हम तुम्हें हमेशा मिस करेंगे। लॉकअप में बतौर गेस्ट होस्ट करण कुंद्रा भी नजर आए थे। अब पूनम पांडे के निधन की खबर सुनकर वो भी हैरान हैं और उन्होंने भी पोस्ट किया है। पूनम की मौत की खबर पर सोशल मीडिया पर तरह तरह के रिएक्शन देखने को मिल रहा है। कई यूजर्स ने लिखा है कि उम्मीद है कि यह फेक खबर है और वह सही सलामत होंगी। इस स्टोरी पर आपका क्या कहना है, कॉमेंट कर हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीवी एंटरटेनमेंट।